आजठारु ट्रिब्युनाल रे महानदी जल विवाद मामलार सुनाणी आरंभ होईचे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे सुनाणी होचे। गत जनवरी रे महानदी जल विवाद ट्रिब्युनाल रे 26 टी प्रसंग रे विचार करबाकू निवेदन करबाकू ओडिसा आवेदन कइतिला। अपर पक्षे छत्तीसगढ़ 13 प्रसंग रे ट्रिब्युनाल रो दृष्टि आकर्षण कइतिला। ओडिसा छत्तीसगढ़ जुग्म बैठक करी समाधान बाट बाहर करबा लागि ट्रिब्युनाल परामर्श देथिले। तबे ओडिसा छत्तीसगढ़ मध्यरे बैठक होइतिले मध्य कोनोसी प्रकार सहमति होई पारि नथिला। तेनु प्रथम थर पई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे सुनाणी रे दुई राज्य समानक पक्ष रखिछन्ते। निगमानंद पृष्ठ जोड़ी होती अधिक सूचना देवाई आम प्रमेय प्रतिनिधि रही दिल्लीर निगमानंद जो भाव वर्तमान सूचना रही आज ठार् ट्रिब्युनाल महानदी जल विवाद मामलार शुणी आरंभ होती। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया शुणी होथ्य आपखे नहीं रही है। देखो वर्तमान आरंभ होती जहां आप भी सूचना देते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा महानदी जल विवाद समाधान करने महानदी जो ट्रिब्युनाल गठन कर बे सुनानी आरंभ होईची। किंतु कथा होची वर्तमान ओडिसा सरकारंगर एडवोकेट जनरल ओडिसा रुही तांकर पक्ष रखिबे, सेई भली छत्तीसगढ़ एडवोकेट जनरल से भली तांकर राज्य रु पक्ष रखिबे। दिल्ली रे वर्तमान केवल एठी रहिछंती महानदी ट्रिब्युनाल रो जो कर्तृपक्ष एठी रहिछंती विचारक। वर्तमान हियरिंग आरंभ होई सारिछि। आपण जहां भी स्पष्ट करितले जे पूर्वरु महानदी ट्रिब्युनाल निर्देश देइतला उभय राज्य को जे जो विवादर आपोस आलोचना माध्यम रे विवादर समाधान करिवा पाई वर्तमान सेथिरे केते अग्रगति घटीछि ता हुए त ओडिसा एडवोकेट जनरल एवं छत्तीसगढ़ एडवोकेट जनरल से माने जे उपस्थापन करि परंती केते कोण आ अग्रसर होई परिछि से नै के मते आलोचना हबार संभावना रहिछि। तेनु वर्तमान जेहेतु आरंभ होईछि वर्तमान सुनानी वर्तमान किछ समय अपेक्षा करबाकु पड़िबो। तेबे कटक रु प्राय अशोक परिजा जे ओडिसा सरकारंकर एडवोकेट जनरल सेठु से भाग नउचंती, सेभली छत्तीसगढ़ रायगढ़ रु रायपुर रु भाग नउचंती। देखिबाकु पड़िबो से माने कोन तांकर पक्ष उपस्थापन करउचंती ता उपरे निर्भर करे जे महानदी ट्रिब्युनाल कोन निर्देश देउचंती। निहाती भावे निगमानंद पूर्वर कथा कहबा जदि ओडिसा छत्तीसगढ़ मध्ये बैठक होइतला तेबे कोनोसी प्रकार सहमति किंतु होइ पार नथिला। जेतबेले कि आजिर सुनानी आरंभ होइछि कोन आशा करा जाय परिबो आजिर गुरुत्वपूर्ण सुनानी सेबेले किछि निष्पत्ति सामना को आसी पारे कि नै? देखंतु वर्तमान निज निज राज्य सेमानकर निजर स्वार्थ को देखि सेमानकर पक्ष रखुछन्ति। ओडिसा सरकार मध्ये से तांकर पक्ष रखिछन्ति जेबेले ओडिसा रो स्वार्थ को रक्षा करबा पई छत्तीसगढ़ रो तांकर पक्ष रखिछन्ति। जदि तेणु महानदी ट्रिब्युनाल एक रास्ता बाहर करूथले जदि उभय राज्य निज निज मध्यरे कथाबार्ता होई विवादर समाधान करिपारिबे ताले बहुत भल हेबो। ओडिसा सेमानक मध्यरे आपण भी स्पष्ट करूथले जे सेमानक मध्यरे आलोचना होई सारिछि किंतु सेथिरे कोनोसी फल बाहरी पारि नाही, कोनोसी रास्ता बाहर होई बाहर बाहरी पारि नाही। जदि एथिरे कोनोसी रास्ता न होई पारे कोनोसी समाधानर रास्ता न बाहरे ताहले शेषरे कोर्ट ट्रिब्युनाल तांकर निष्पत्ति जणाइबे हुए तो सेथिपई किछि समय लागि पारे। किंतु प्रथम रास्ता सेथिपई ट्रिब्युनाल भाबुथिले जे प्रथमे दुई राज्य सेमानकर निजर अधिकारी माने बसी ए विवाद को किभळी समाधान करि परिबे किंतु ताहा भी सेथिरे किछि विशेष किछि अग्रगति होई नाही। तेनु वर्तमान आज देखिबाकु पडिबो से कोन उपस्थापन करूछन्ति ओडिसा सरकार तांक पक्षरे कोन रखुछन्ति एवं छत्तीसगढ़ तांक पक्ष कोन रखुछन्ति सेथिरु जदि कोर्ट जदि ट्रिब्युनाल अनुभव करिवे जे किछि एथिरे अग्रसर होउछि अधि हुए त किछि अधिक समय भी देइ पारंती नहले तांक उभय कथा सुनि सारिबा परे ट्रिब्युनाल तांक राय रखि पारंती। बहुत बहुत धन्यवाद निगमानंद आपणकर समस्त सूचना पाई। निगमानंद पुष्टि रहितले प्रमेयर दिल्ली प्रतिनिधि जी कि अधिक सूचना आमको दौले जोभली भाव आज ठार् ट्रिब्युनाल महानदी जल विवाद मामलार शुणी आरंभ होती। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे शुणी चली समस्त नजर रही आज कौन किसी निष्पत्ति आसीपे कि सहमति प्रकाश पाई कि दुई राज्य मध्य जो भाव पूर्व बैठक होता किसी प्रकार सहमति हो पार ना देखा आज बैठक में कौन सब निष्पत्ति।